हरी ओम, मैं प्रमिला वीरा नवीन फ्रॉम मस्कट उपासना केंद्र। हम मस्कट में 10 साल से रह रहे और बापू के यहाँ 6-7 साल से आ रहे। मुझे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स, एक लड़का एक लड़की, और मेरा हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर है, उधर मस्कट में ही काम करते हैं। अभी 3-4 साल पहले मेरे हस्बैंड दूसरे कंपनी में काम कर रहा था, वो कुवैत का कंपनी था, तो वो लोग कुवैत का मस्कट का ब्रांच क्लोज करने वाले थे, तो उन्होंने कुवैत में ही मेरे हस्बैंड को बुलाया। फिर उसका कुवैत का वो प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं था और हमको भी मस्कट छोड़ के जाने का इच्छा नहीं था, तो अब मैं बापू को रोज़ प्रे करती थी, बापू हमको मस्कट में ही कुछ करवा लो, क्योंकि मस्कट में हमारा बापू परिवार भी इतना अच्छा है, ये सब छोड़ के जाने का मुझे बिल्कुल मन नहीं है, सब बापू का रोज़ प्रे करती थी। तो मेरे हस्बैंड वो कुवैत का जॉब छोड़ के दूसरा अप्लाई करने लगे, तो एक हफ्ते में उसको 2 कंपनी से ऑफ़र लेटर मिला। उसमें सेकंड वाला हमको अच्छा लगा, हम सुचित दादा से बात करके हमने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो उनका 15 दिन के अंदर वो जॉब हाथ में मिल के वो ज्वाइन भी करने वाले थे। फिर मस्कट में एक रूल है, वो जो जहाँ जॉब मिलता है वो जॉब का उनका कंपनी वाला ने गवर्नमेंट से, मस्कट गवर्नमेंट से लेबर क्लियरेंस लेना कंपलसरी है, तो वो कम हो तो तभी इनको वीसा मिलेगा, जॉब का वीसा मिलेगा। तो जहाँ इनका जॉब हुआ था वो कंपनी में वो पोजीशन नया था मेरे हस्बैंड का, और उनके पास वो लेबर क्लियरेंस नहीं था, तो उन लोगों ने अप्लाई किया था तभी तक नहीं आया था, तो उनके बगैर कंपनी वाले भी कुछ नहीं कर सकते, वो लेबर क्लियरेंस नहीं मिला तो। तो उस दिन मार्च 1 था, इनका 1st डे ऑफिस जाना था, तो सुबह तैयार होके पूजा करके निकलने के टाइम पे वही बोल रहे थे, अभी तक लेबर क्लियरेंस नहीं आया, कैसे होगा, नहीं आए तो क्या करेंगे, ऐसा सब इनका बहुत टेंशन में थे। तो मैंने बोला नहीं, बापू है, बापू कुछ कराएंगे, बापू देखेंगे, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, आप सावधान से जाओ, ऐसा मैंने भी उनको समझाया। तो जब ये निकलने ही वाले थे तब हमारा एक और फ्रेंड, वो भी बापू भक्त है, सारिका वीरा और नीलेश सिन्हा, ये दोनों हमारे बिल्डिंग में ही रहते, तो वो घर आ गई ये निकलने से पहले इनको विश करने के लिए। 1st डे नया जॉब में जा रहे तो विश करेंगे सोच के वो दोनों घर पे आ गए, और साथ में बापू का एक फ़ोटो लेके आ गए। तो फ़ोटो लेके आके नहीं बापू, आपको सब ठीक करेंगे, नया जॉब अच्छा हो जाएगा करके विश करके गए। वो बड़ा हिम्मत था, मैंने वही बोला देखो बापू साथ में आ गए, तुम्हारा 1st डे ऑफिस के लिए बापू भी तुम्हारे साथ है, तो पक्का ये जॉब अच्छा होगा, ऐसा उदी लगा के ऑफिस के लिए निकले। बापू का फ़ोटो भी साथ में लेके निकले, और 1st डे में ही उनका ऑफिस में मैसेज भी मिला, तो लेबर क्लियरेंस मिल गया, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीसा भी हो जाएगा, ऐसा जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वही कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हैं हस्बैंड, और उसमें अच्छा ग्रोथ भी है, अच्छा नाम भी है हस्बैंड का, ये सब बापू की वजह से ही है। तो बापू ने ही हमारा हर प्रॉब्लम, हर सुख दुख में साथ में खड़े है बापू, हम भाग्य बापू रहा, लव यू बापू।